नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। होली के बीच देश में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। देश भर में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं। बीते दो दिन से लगातार 62,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 68,020 कोरोना मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के कारण 291 नागरिकों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे अधिक कहर है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में भी दोबारा से प्रतिदिन 1100 से अधिक मामले आ रहे हैं। केवल 5 राज्यों में 80% सक्रिय कोरोना मामले। देश में कुल एक्टिव कोरोना मरीजों में से 80% एक्टिव कोरोना मरीज केवल 5 राज्यों से ही हैं। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ हैं। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्य में देश के सर्वाधिक कोरोना मामले हैं। केवल इन्हीं राज्यों से देश के 84.5% कोरोना मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 40,000 से अधिक मामले। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40,414 नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं राज्य में कोरोना से 108 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 17,874 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,93,58,341 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें से अभी तक कुल 27,13,875 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय करीब 15,56,476 लोग होम क्वारंटीन हैं और वहीं 15,852 लोग संस्थानिक रूप से क्वारंटाइन हैं और 3,25,901 सक्रिय कोरोना मामले हैं। WHO का दावा, वुहान लैब से कोरोना नहीं फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में किए गए अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलने के पीछे चमगादड़ के बाद किसी अन्य जानवर के माध्यम से फैलने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यानी आदमियों तक कोरोना पहुंचने के पीछे कोई जानवर रहा है जिसमें चमगादड़ से वायरस प्राप्त किया हो। इस स्टडी ने उस प्रचलित विचार को भी नकारा है जिसके तहत माना जाता है कि कोरोना चीन की किसी लैब से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। इस स्टडी ने कहा है कि इसकी एकदम संभावनाएं नहीं है कि कोरोना किसी लैब से लीक हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।